आचार्य महाशमन जी की अमृत देशना का श्रवण करने के लिए जन जन आतुर है। तेरापन नगर आदित्य विहार का महाशमन सभागार जिन वाणी की गुण से महाशमन में बन गया है। चातुर्मास काल में चतुर्विध धर्म संघ में ज्ञान दर्शन और तप आराधना का क्रम प्रवर्तमान है। पूज्य प्रवर द्वारा ठाण है माणक महिमा का सरस मारवाड़ी भाषा का व्याख्यान सभी श्रोताओं की रुचि का विषय बना हुआ है। आचार्य महाशमन ने मंगल प्रवचन में कहा कि जैन धर्म में काल चक्र का प्रभाव निरंतर चलता रहता है। जैन धर्म में काल को उत्पीणी और अवस्पीणी दो भागों में विभक्त किया गया है। सुख दुख का विकास और हास से क्रम सतत प्रवाहमान रहता है। पूज्य प्रवर ने घड़ी का उदाहरण देते हुए काल चक्र के विकास और हास को समझाया। पूज्य प्रवर ने आगे कहा कि महान पुरुष तीर्थंकर भगवान बनने के बाद सिद्ध बुद्ध और मुक्त बन जाते हैं, लेकिन उससे पहले वे धर्म की स्थापना करते हैं, जन कल्याण और उद्धार के लिए प्रवचन करते हैं। इस अवसर पर साध्वी संवरयशा ने 26 दिन की तपस्या का प्रत्याख्यान किया। कार्यक्रम में प्रवास व्यवस्था समिति से लक्ष्मीलाल सिरोहिया, प्रदीप आचल्या ने अपने विचार रखे। ज्ञानशाला के प्रशिक्षक बहनों ने गीतिका की प्रस्तुति दी।